क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। ये जो आइडिया था ये मेरे हस्बैंड का आइडिया है, बाकी मेरा नहीं है, मैं बस उनकी हेल्प करती हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड और हमारी बच्ची है, उसको भी हम साथ में लेके आते हैं। वो भी साथ में यहाँ पे खड़े रहते हैं। क्या बात है। तो क्या क्या चीजें यहाँ पे रहती है? यहाँ पे तो अभी हम सिर्फ लज़ानिया ही बनाते हैं, बाकी धीरे धीरे मैक एंड चीज है, पाइनएप्पल मैक्रोनी, फिर बबल टी, मतलब नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो ही जाएगा हमारा। अच्छा, अभी उस पे हमारा पूरा फोकस चल रहा है, बस स्टार्ट होने ही वाला है। तो कब से आपने स्टार्ट किया लज़ानिया का? ये नवंबर से स्टार्ट किया हम लोगों ने। नवंबर से स्टार्ट किया, मतलब करीबन 6 महीने जितना। हाँ, आपने स्टार्ट किया। हमारा नाम है ड्रॉप आउट कैफे। ड्रॉप आउट कैफे, मतलब अभी क्या हमारा इतना बजट नहीं है, हमको सब कुछ बोर्ड वगैरह सब बनाना है, बट धीरे धीरे करेंगे ऐसा। तो ड्रॉप आउट कैफे से लोग पहचानेंगे भविष्य में। ये जो चीज है ये हमारा घोड़ा चीज है, ये नीदरलैंड का बेस्ट चीज आता है जो हमने यानी कि वहाँ से मंगाया है। इसको घोड़ा ये है अमेंटल, जिसको हम टॉम एंड जेरी चीज भी बोलते हैं, जस्ट बिकॉज इसमें जो हम कार्टून वाला जो देखते थे ना, टॉम एंड जेरी में। अच्छा, उस तरह का है। अभी ये जो चीज है ये हमारा बफेलो बोकोचीनी है। बफेलो बोकोचीनी, हाँ, दैट इज चीज बॉल्स मोजरेला का, विद जीरो प्रिजर्वेटिव। जीरो प्रिजर्वेटिव, इसमें कुछ एडेड नहीं होता। कुछ भी एडेड नहीं होता। बाकी जो हमारे नॉर्मल जो हम जो चीज़ को यूज़ करते हैं वो है हमारा अमूल मोजरेला एंड क्यूसेस। ये कौन सी चटनी डाली? ये अपना रेड सॉस है। अच्छा, जैन वाला। जैन वाला, हाँ। ये लज़ानिया शीट है, उसके ऊपर हल्का सा पास्ता जाएगा। जैसा आप लोगों को पता है कि आज ऑफर है, सो हम घोड़ा चीज़ आज विदाउट एनी फर्दर कॉस्ट हम ले रहे हैं। वरना ये घोड़ा चीज डालने का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है। हाँ, उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट है, जस्ट इतना इतना वैल्यूएबल। हाँ, क्योंकि ये क्या है, ये एक्चुअली में एक तो इम्पोर्ट कराया हुआ है, प्लस इसका भाव कुछ हमारा 2,500 रुपये किलो पड़ता है। ये क्या बात कर रहे हो। हाँ, पूरा व्हील आता है और ये 3.5-4 किलो का व्हील आता है जो कि हमको मंगाना पड़ता है। अब कम में तो हम ला नहीं सकते, 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, ऐसा नहीं है। पूरा 3.5-4 किलो का व्हील आता है, उसका हमको कुछ पे करना पड़ता है, 6,000-7,000 कह रहा हूँ। तो मतलब आज हम महंगी आइटम ट्राई करने वाले हैं। हाँ, ये अपना अमूल का चीज़ है, अमूल का प्रोसेस। अच्छा, पूरा चीज़ी हो जाएगा। उसके ऊपर वापस लज़ानिया शीट, देन होममेड व्हाइट सॉस। होममेड व्हाइट सॉस, क्या बात है। एवरीथिंग इज होममेड एक्सेप्ट चीज। अब इस पे आएगी धासू चीज, ये हमारा इटालियन चीज, ये आता है पाउडर। हाँ, किस चीज़ का पाउडर है ये? चीज़ इटालियन चीज़ आता है, उसका पाउडर रहता है। अच्छा, वो आता है। ये हमको ये भी यानी कि कॉस्टली बहुत है। इसके ऊपर आपको थोड़ा सा घोड़ा वापस, तो आज तो हम चीज़ से भरी चीज़ खाने आए हैं, वो भी स्ट्रीट फूड में। आपको ये जो टेस्ट है इसका टेस्ट भी अमेजिंग है, ये हमारा अमेंथल चीज़ है, टॉम एंड जेरी वाला। हाँ, टॉम एंड जेरी वाला। आपको ये खाना था तो हमने बोला कि चलो ठीक है एक बार। तो ये सारे चीज़ में अलग अलग टेस्ट आता है या फिर? ये एक्चुअली आप खा के देखो फिर पता चलेगा कि एक्चुअल में चीज़ का मज़ा क्या होता है। अच्छा, ये पूरा वेजिटेबल वाला हम बनाएंगे। देखो भाई, अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स सारा डाला हुआ है और लज़ानिया में ये सारे वेजिटेबल्स हैं। कैप्सिकम है, कॉर्न, ये क्या चीज़ है? ये है बफेलो बोकोचीनी मोज़रेला। अच्छा,
विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव हम पूरा ये कितने टाइम तक गर्म कर रहे हैं रखेंगे हम 7-8 मिनट हो गया रेडी रेडी अच्छा तो ये है हमारा लज़ानिया स्ट्रीट फूड में अभी मिलने लगा है लज़ानिया देखो भाई अभी हम ये देखो हाय 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 बोलो कितना होगा और तो यहाँ का लज़ानिया तो हम रेगुलर बेस पे खाते हैं तो इसका रिव्यू तो बगैर खाए मैं अभी कर सकता हूँ कि भाई एकदम जिसको बोलते हैं लाजवाब टेस्ट लजीज टेस्ट अगर आप रेस्टोरेंट में जाओ ना तो भी शायद आपको ये क्वालिटी का इतना सारा चीज़ और वो भी गोड़ा चीज़ है दूसरा वो बोको चीनी चीज़ है अब लेकिन इतने सारी चीज़ें डाले हुए हैं और सारे जो वेजिटेबल्स डाले हुए हैं वो भी आपको क्लियर दिख रहा है इसमें देखो तो ये है स्ट्रीट फूड वाला लज़ानिया भाई देखो कितने सारे वेजिटेबल्स आ रहे हैं। तो अभी तक ऐसा ही था कि भाई पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो पिज़्ज़ा के ऊपर चीज़ होता है 2-3 टाइप का अलग अलग 7 चीज़ भी आने लगा है लेकिन ये जो चीज़ का टेस्ट है ना ये आपको कहीं और ना किसी पिज़्ज़ा में ना किसी बर्गर में सिर्फ आपको मिलेगा ड्रॉप आउट कैफे नाम है अगर आप स्विगी पे ढूंढना चाहते हैं तो स्विगी पे भी ढूंढ सकते हैं वहाँ पे भी ड्रॉप आउट कैफे नाम से है एक बार एड्रेस बता दीजिए अगर किसी को आना हो तो जो ताज होटल है सिंधु भवन रोड पे उसी लाइन में सीधा सीधा ऑर्नेट पार्क 1 आता है पहले फिर ऑर्नेट पार्क 2 फिर एक गली आती है गली में हम लोग खड़े रहते हैं अच्छा बस ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर ले वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो स्पेशली चीज लवर हो ये देखो तो बस लाइक करना ना भूले मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।